गैर सरकारी संगठन समाधान मुंबई का उद्घाटन समारोह। समाज में हर तरफ फैले भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से निपटने के लिए लोगों का विश्वास राजनीतिक दलों के ऊपर से उठता जा रहा है, इसलिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं से निपटने के लिए गैर सरकारी संगठनों के बैनर तले इकट्ठा होने लगे हैं। इसी तरह का एक संगठन मलाड के मालोनी इलाके में शुरू किया गया है, जिसका नाम समाधान मुंबई है। इसकी शुरुआत शाखानों से जुड़े इब्राहिम शेख और उनके सहयोगियों के द्वारा की गई है। आइए सुनते हैं इस संगठन के विषय में इब्राहिम शेख और उनके साथियों के विचार। इस मालोनी क्षेत्र के अंदर काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि कहीं नशाखोरी, तो कहीं नशाखोरी को देखते हुए कई चोरी और बच्चों में बिगड़ती आदतें, और साथ साथ में इस समाज में फैल रहे असामाजिक तत्व जो हमारे और इस समाज के लिए बड़ी तकलीफ का कारण बनते जा रहा है। तो इसी के लिए हमने सोचा कि आज मालोनी के अंदर जैसे राशनिंग से जुड़ी समस्या हो, या बीएमसी से जुड़ी समस्या हो, या लोगों में कई ऐसी समस्या है जो लोग उठकर आगे जाना चाहते हैं लेकिन उनके लिए एक संगठन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ संगठन तो काफ़ी है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि संगठन नहीं, संगठन अपने अपने तरीके से सभी काम कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि मालोनी के अंदर आज समाज में फैल रही असामाजिक तत्वों के खिलाफ हम एक समाधान मुंबई ने जैसा एक रजिस्ट्रेशन कर एक संगठन, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है आर्टिकल 19 के मुताबिक, इस संगठन का हमने यहाँ पर एक आगाज़ किया और मालोनी की काफ़ी जनता हमें यहाँ पर साथ दिए। और स्पेशल मैं एक थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे इस प्रेस 9 और शाखा 9 न्यूज़ को, जो आप लोगों ने भी हमें यहाँ पर आकर एक अपना कीमती वक्त देकर इस समाधान मुंबई जैसा कार्यक्रम जो आज पहला यहाँ पर मालोनी में नींव रखा गया और इसका समाधान मुंबई का यहाँ पर उद्घाटन समारोह रखा गया। यहाँ के लोग बहुत परेशान हाल हैं, यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में बहुत से मंडल, बहुत से कमेटियाँ हैं, लेकिन बराबर तरीके से ध्यान न देकर यहाँ की समस्याओं को समाधान नहीं कर रही हैं। इसी सोच को लेकर समाधान मुंबई बना है, जो यहाँ की समस्याओं को का समाधान करना है। यहाँ की उन तमाम समस्याएं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे कारोबार का हो, चाहे कामगार का हो, चाहे यहाँ इलाके की तस्वीर बदलने का हो, चाहे यहाँ की बीमारियों का हो, उन तमाम समस्याओं को हल करना है, उनका समाधान ढूंढना है, इसके लिए समाधान मुंबई बनी है। अरे मालवनी को अच्छे से अच्छा और साफ सुथरा बना सके, और यहाँ पे जो कुछ भी गंदगी हो रही है, जो कुछ भी मतलब मैटर्स होते हैं, चाहे वो नशाखोरी के हो, चाहे मर्डर का हो, या तो फिर चोरी वगैरह का हो, तो इन सब चीज़ों से हमारे बच्चे और जो इनका फ्यूचर है वो सब बाहर निकले और अच्छे से अच्छा मालवनी, हमारा क्षेत्र मालवनी क्षेत्र अच्छे से अच्छा बने। महाराष्ट्र राज्याचे जे रहिवासी आणि मूलभूत जो सुविधा आहेत तो आम्हाला का पुरवत नाही मालवनी क्षेत्रात। आणखीन स्वच्छता आमचा पहिला विषय आहे। दुसरा विषय, दुसरा प्रश्न माझा एक आहे आरोग्याचा। आरोग्य आम्हाला का पुरवला जात नाही? आरोग्य आमचं जे नगरपालिका जे रुग्णालय आहेत त्यांचे आत्तापर्यंत ते काम पूर्ण झाले नाही। समाधान मुंबई के उद्घाटन के मौके पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर फिल्मी हस्तियों मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश, लता मंगेशकर, आशा भोसे और हेमलता की आवाज में उनके मशहूर गीतों को पेश किया गया। क्या हुआ तेरा मादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिर दिन होया, सनम रे तुम मेरा सनम हो। Thank you.
इस अवसर पर स्थानीय नगर सेविका कमर जहां, वरिष्ठ पत्रकार आबिद नकवी, भाजपा नेता कमरुद्दीन हाशमी और खुशी नायक, प्रेस नाइन संवाददाता सदफ शेख सहित कई बड़े समाज सेवक मौजूद थे। राजबिंद्रा के साथ आबिद नकवी, प्रेस नाइन न्यूज, मुंबई।